वह कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद माननीय विधायक जी असीम गोयल जी का, भाई मनदीप राणा जी जिला परिषद और भाई जितेंद्र राणा राजपूत युद्ध ब्रिगेड और उनकी टीम का, आज जिनके प्रयासों से इस महान अक्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की स्थापना अंबाला में हुई है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर सभी ने अपने विचार रखे, सभी ने पृथ्वीराज चौहान जी का, महाराणा प्रताप जी का गुणगान किया। मेरे पास सिर्फ तीन ही बातें हैं और मैं चाहूँगा जितने भी यहाँ युवा, जितने भी मेरे भाई हैं, एक बार 2016 में हमें एक संदेश दिया गया था और आज भी मैं अपने युवाओं को और अपनी आने वाली जो हमारे बच्चे हैं उन सबको एक मैसेज कि बोला जाता है कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन मैं कहता हूं कि जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो पृथ्वीराज चौहान, जो जीता वो महाराणा प्रताप, जो जीता वो राणा सांगा। हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे वीरों से। और जो लोग कहते हैं कि अकबर महान था, तो मैं उनके लिए एक बात इस मंच से कहना चाहूंगा, अरे उस बोने का तो वजन इतना कम था, उससे ज्यादा तो हमारे महाराणा प्रताप अपना भाला लेकर चलते थे। और आज जो ये जो देश के गद्दार और ये जो आजकल के बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं देश के लिए, हमारे महान योद्धाओं के लिए, तो उनके लिए एक संदेश कि वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। सुन लो ऐ देश के गद्दारों, हमारे दिल में आज भी महाराणा प्रताप और दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। इसी के साथ ही आप सभी का धन्यवाद। जय भवानी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राजपुताना, जय पृथ्वीराज चौहान। धन्यवाद जी।